बहुत टेस्टी बनता है आलू दम लहसुन देके। नमस्कार दोस्तों, मेरे रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में आलू दम लहसुन डाल के। देखिए एकदम पूरा गाढ़ी भी हो गया है, ज़रूर बनाइएगा एक बार। पूरा देसी स्टाइल में है आलू दम। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। देखिए आलू लिए हैं, इसको उबाल लिए हैं छिलका उतार के। हम छोटा छोटा साइज में आलू लिए हैं। आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल आलू दम। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। कढ़ाही रख दिए हैं, गैस ज्वलित है। हम इसमें तेल डाल दे रहे हैं, सरसों तेल डाल रहे हैं। गरम होने देंगे। आलू 600 है, छोटा वाला आलू लिए हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, हम इसी में आलू डाल देंगे। आलू के फ्राई कर लेंगे लाल करके। इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। मिक्स कर लेते हैं, लाल करेंगे भून के और निकालेंगे। चुका है आलू तो लाल हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकाल लिए हैं, भूंज के निकाले हैं। उसी कढ़ाई में देखिए तेल बचा हुआ है, सरसों के तेल हम और डाल रहे हैं। इसमें मसाला भूंजेंगे। ये कुछ खड़े मसाला लिए हैं, एक तेजपात है, इलायची, लौंग, दालचीनी, दो मिर्चा, जीरा है, डाल दे रहे हैं। कुछ सेकंड तकला। अब इसमें हम प्याज काटे हैं, 5 प्याज काटे हैं, डाल दे रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे लहसुन है, डाल दे रहे हैं। अदरक है, डाल दे रहे हैं। इसी में भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल दे रहे हैं, भून लेंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज का पानी सुखाना नहीं है। सूखा है, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए इसको पानी सुखाना नहीं है। टमाटर काटे हैं, एक डाल दे रहे हैं। इसी में हम नमक डाल दे रहे हैं, टमाटर गल जाएगा, हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसी में 2 मिर्चा डाल दे रहे हैं। इसी में हम 2 लहसुन लिए हैं, डाल दे रहे हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा पानी दे देंगे। अब इसको पकाएंगे हम 20 मिनट 15 मिनट तक ला। हम इसको ढक देंगे, पकने देंगे। लहसुन भी पक जाएगा, अब प्याज व्याज टमाटर सब पक जाएगा। हम इसको ढक देंगे। इसको हम ढक के 20 मिनट तक ला कम आँच पर रख के पकाएंगे। 20 मिनट हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज पक गया है, अब इसको लहसुन भी पक गया है। अब इसको आस्ते आस्ते करके इसको मस लेंगे। देखिए इसी तरह की ग्रेवी गाढ़ी होगा, तरह मसलेंगे। लहसुन के ध्यान रखेंगे। देखिए मसल दिए हैं पूरा, एकदम पक गया था प्याज। देखिए धनिया पाउडर है, डाल दे रहे हैं। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब तीखा कम खाते हैं तो कम डालिएगा।
अपने हिसाब से हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर डाल दे रहे हैं। आप चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, खाली कलर होता है, तीखा नहीं होता है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको ढक के 10 मिनट तक ला भूंजेंगे, मसाला भी भूंजा जाएगा और प्याज के जो पानी है तो सूख जाएगा। इसको मिक्स कर दिए हैं, हम इसको ढक दे रहे हैं साइड साइड से, जब तक तेल नहीं निकलेगा जब तक मसाला को भूंज लेंगे, पानी भी सुखा देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, वो ढक दे रहे हैं। 15 मिनट हो चुका है, देखिए पूरा तेल निकल गया है ऊपर। इसको मिक्स करके दिखाते हैं, देखिए पूरा गाढ़ी भी हो गया है, तेल भी निकल गया है। देखिए अब इसे में हम आलू को भूंज के रखे थे डाल रहे हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे 5 मिनट तक ला भूंज लेंगे, इसी में मसाला नमक मिल जाएगा। कसूरी मेथी रखे थे क्रश कर लिए हैं, गरम करके डाल दे रहे हैं। आपके पास है तो डालिएगा, ना तो धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी डाल दीजिएगा। इसको चलाते हुए 5 मिनट तक भूंज लेंगे, 2 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं, मसाला नमक मिल जाएगा। तो गैस पूरा कम रखेंगे, 5 मिनट हो चुका है, मसाला नमक तो सब भुजा लिया है। देखिए मैंने पूरा परफेक्ट हुआ है, अब जो परफेक्ट हुआ है अब ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। देसी आलू दम है देसी स्टाइल में, लहसुन डाल के। अब इसमें अब अपना हिसाब से पानी डालिएगा, जितना ग्रेवी रखिएगा उतना। एक कटोरी पानी डाले हैं, तो चेक कर लेते हैं इस तरह गाढ़ी है कि पतला हो गया है। देखिए गाढ़ी है, थोड़ा पकाएंगे हम, 10 मिनट तक ला पकने देंगे। कटोरी से पानी डाले हैं, थोड़ा सुनाव डाल दे रहे हैं। देखिए हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप चाहते हैं तो आओ अपना हिसाब से डालिएगा, ग्रेवी रखिएगा उतना। गरम मसाला के पाउडर है डाल दे रहे हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 10 मिनट तक ला पकाएंगे ढक के, उसके बाद दिखाते हैं। ढक दे रहे हैं, मिनट हो चुका था, गैस बंद कर दिए हैं। ये कितना सुंदर कलर आया है, रेडी है बन के, गाढ़ी भी हो गया है, ठंडा होगा तो अब गाढ़ी हो जाएगा। देखिए सॉफ्ट कर दिए हैं देसी स्टाइल में आलू दम लहसुन डाल के। अब एक बेटा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है आलू दम लहसुन देखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए। मिलते हैं नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।